मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों का निराकरण करने के लिए कन्नौत खातेगांव विकास खंड स्तरीय निराकरण शिविर उत्कृष्ट विद्यालय कन्नौत पर रखा गया, जिसमें जिला कलेक्टर श्रीकांत पांडे सहित जिले के आला अधिकारी अपने अपने स्टालों के साथ उपस्थित थे, जिनमें विभिन्न विभागों की कुल 850 शिकायतों में से 196 का निराकरण किया गया। कन्नौत विकास खंड क्षेत्र में 520 सीएम हेल्पलाइन शिकायत मौके पर 107 का निराकरण किया गया। वहीं खातेगांव विकास खंड क्षेत्र में 330 शिकायतों में से 90 का निराकरण हुआ। देवास डीएम ने बताया, कन्नौत खातेगांव क्षेत्र की लंबित हेल्पलाइन शिकायत का निराकरण करने के उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि मुझे बहुत खुशी है कि इन शिविरों में नागरिकों का बहुत सहयोग मिला है। पिछले 3 शिविरों में हमने 500 शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निवारण किया है। खातेगांव से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। इस महीने आयोजित कर रहे हैं और इन शिविरों का दिन हमने अवकाश का दिन इसलिए चुना है कि हमारा शासकीय काम प्रभावित ना हो, और इस शिविर का उद्देश्य ये है कि सीएम हेल्पलाइन में जिन लोगों ने शिकायत की है, कई बार उनको शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी विभाग स्तर से नहीं मिल पाती है। शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क करके उनको यहाँ बुलाया गया है। कई शिकायतें इस स्वरूप की आई हैं कि किसी विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत हो गई है, लेकिन चूंकि बजट नहीं है इसलिए उसका खाता में पैसा नहीं गया है। ऐसी शिकायतों पर हम शिकायतकर्ता को स्वीकृति आदेश बताते हैं और बताते हैं कि जैसे ही बजट आएगा अगले 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में उसका भुगतान हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि नागरिकों का पूरा सहयोग हमें इन शिविरों में मिला है, और पिछले 3 शिविरों में हमने लगभग 500 शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया है। आज भी यहाँ खातेगांव शिविर में खातेगांव और कन्नौत दोनों सब डिवीजन को हमने लिया है और लगभग 200 शिकायतों का निराकरण अभी तक संतुष्टिपूर्वक हो चुका है। कितनी शिकायतें सर? कितनी? लगभग 800 शिकायतें यहाँ की है जी। उन सभी शिकायतों के संबंध में शिकायतकर्ताओं से हमारे अधिकारियों ने संपर्क किया है। सर बहुत सारे आप भी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, वीकली मॉनिटरिंग करते हैं, ये आपका कहना सही है कि कुछ शिकायतें जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित हैं या नगरीय निकायों से संबंधित हैं या खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं, वो बड़ी संख्या में पेंडिंग है। और मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि इस कैंप के मार्फत हमने पिछले 3 हफ्ते में अपने निराकरण का प्रतिशत बहुत ऊपर तक पहुँचा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।